हेलो एवरीवन, आज मैं ये अपनी पहली एज ए कॉमेडियन वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आए। लोग सोचते हैं कि मेरे को बस फिटनेस ही आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे साथ रहते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि कॉमेडी मेरा पहले नंबर पे आता है। तो एज ए कॉमेडियन मैं ये पहली वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, पहली वीडियो डाल रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। तो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ आजकल के बच्चे और जब हम 14-15 साल के थे तब के बच्चे। हम जब छोटे थे ना, 14-15 साल के, तो हमें यही पता नहीं था कि गंगाधरी शक्तिमान है। हम सम्राट किलबिश के पीछे पड़े रहते थे कि सम्राट किलबिश शक्तिमान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। हम संडे का वेट करते थे, शक्तिमान आएगा 12 बजे, उसके बाद फिल्म आएगी 4 बजे, एंटीने के पास हम बैठे रहते थे। लेकिन आजकल के बच्चे स्मार्टफोन, लैपटॉप, हर चीज़ में आ गए हैं। सोशल मीडिया हर चीज़ में आगे, उनको कुछ भी पूछ लो उनके पास सब आंसर रहते हैं। 12-13 साल के बच्चों के स्टेटस फेसबुक में आते हैं, ब्रेकअप हो गया, बंदी छोड़ के चली गई, सैड सैड सॉन्ग गाते हैं। हमारे टाइम में तो पूछो मत आप, हमें तो बस दिन भर खेलना, संडे का वेट करना, और कुछ आता जाता ही नहीं था। तो ऐसे ही एक लड़का था, उसका नाम था मोंटी। बहुत ही तेज, क्लास में नंबर 1, मतलब चालाकी में। तो टीचरों को चालाक बच्चे बहुत पसंद होते हैं। तो क्लास लगी हुई थी, टीचर आए, टीचर ने बोला आज मैं तुम लोगों को मुहावरे पढ़ाऊंगा, तुमसे पूछूंगा, तो तुम सही सही आंसर देना। तो ठीक है, सब बैठे होते, टीचर को वही पसंद आया, मोंटी खड़ा हो जा, मेरे को ये बता सत्य और भ्रम में क्या फ़र्क होता है। मोंटी को खड़ा किया, मोंटी खड़ा हुआ। मोंटी बोला सत्य, सत्य ये होता है कि सर आप पढ़ा रहे हैं वो सत्य है। टीचर बोला वेरी गुड, पर आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं वो आपका भ्रम है। टीचर बोलता मार खाएगा, चुपचाप बैठ जा। टीचर बोलता अच्छा, आज मैं आप सबको ये चीज़ बताऊंगा कि प्यार और भूख में कौन चीज़ जीतती है। तो टीचर क्या करता है, एक चूहा रखता है, एक साइड पर रखता है चूहिया और ब्रेड। चूहे को छोड़ता है, चूहा जाता है ब्रेड खा लेता है। फिर क्या करता है टीचर, ब्रेड को उठाता है, रोटी रख देता है, चूहा जाता है रोटी खाता है। ऐसे 3-4 चीज़ें बदलता है वो, रोटी मिठाई कुछ भी रखता है, चूहा जाता खाना ही खाता है। तो बच्चों से पूछता है हाँ क्या सीखा आप लोगों ने, तो सारे बच्चे बोलते हैं सर सीखा कि प्यार से बड़ा भूख होती है। हाँ मोंटी तू खड़ा हो, तू बोल। मोंटी बोलता है सर आपने बार बार खाना ही बदला, आपने चूहिया नहीं बदली, एक बार चूहे बदल के देखो, क्या बता चूहे को चूहे पसंद ना हो। तो टीचर बोलता है यार किससे पूछ लिया, ठीक है बैठ जा तू। अगला क्वेश्चन पूछता है मोंटी तू ही बता घटना और दुर्घटना इसमें क्या फ़र्क होता है। मोंटी फिर से खड़ा होता है, मोंटी बोलता है सर घटना घटना ये घटित हुई कि स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। टीचर बोलता है वेरी गुड, एंड दुर्घटना। मोंटी बोलता है सर दुर्घटना उसमें ये हुई कि आप बच गए। तो आजकल के बच्चे आपने देखे कितने तेज होते हैं, आप भी खुद देखते हैं आपके बच्चे फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल, उनको एक बार सिखा दो तो नंबर 1 पे आते हैं। और हम तो बस जय हिंदी थे, अभी तक हमें समझ में नहीं आता है। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा एक्ट मेरा अच्छा लगा हो, आगे भी डालता रहूँगा, सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, जय हिंद।